जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में दिसंबर 2012 को हुए निर्भया बलात्कार और हत्या मामले ने सारे देश को हिला कर रख दिया था। उसके बाद सारे देश भर में कहीं जगह पर उग्र तो कहीं जगह पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और ऐसा लग रहा था कि देश की जनता महिलाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के बारे में काफ़ी संवेदनशील हो गई है। निर्भया आंदोलन ने एक विश्वास दिलाया था कि मानो जैसे इस प्रकार के जघन्य अपराध दोबारा देश में घटित नहीं होंगे, मगर हाथरस की घटना ने उस विश्वास को भी तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीते 14 सितंबर 2020 को एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसकी जीभ काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। इतना ही नहीं तो इस हैवानियत का शिकार होने के बाद उत्तर प्रदेश में उसका सही से इलाज तक नहीं हुआ और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। इतना सब होने के बाद भी उस पर अन्याय अत्याचार का सिलसिला यही बंद नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी लाश उसके परिवार की गैर मौजूदगी में ही जला दी, जैसे वह कोई लावारिस की लाश हो। यह सब करने के पीछे योगी सरकार की मंशा अपराधियों को बचाने की थी, क्योंकि अपराधी ठाकुर यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के हैं। उत्तर प्रदेश में हुई ये कोई अकेली घटना नहीं थी। एक घटना के खबर की स्याही भी नहीं सूखती थी कि दूसरी घटना की खबर आ जाती थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में हर दिन 15 बलात्कार की घटनाएं होती है। भारत में महिलाओं की असुरक्षितता के लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इन बलात्कारों की जघन्य घटनाओं के विरोध में सारा देश आंदोलित हो उठा। इससे मोदी और योगी की कुर्सी हिलने लगी। बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे बहुजनों के हजारों संगठनों के मंच ने देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की और उन्हें समाज के हजारों संगठनों ने अपना सक्रिय समर्थन दे दिया। बहुजन समाज के इन आंदोलनों से बचने के लिए और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सत्ताधारी भाजपा ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। आप सभी जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है, वैसे ही रजत शर्मा का इंडिया टीवी भी उसी नक्शे कदम पर चलता है। रजत शर्मा कभी मनमानी तरीके से किए हुए नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, तो कभी बिना प्लानिंग से किए हुए लॉकडाउन को। केंद्र की भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए इंडिया टीवी थक नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि रजत शर्मा अपने छात्र अवस्था से ही संघ के प्रचारक है। वे कभी एबीवीपी के सदस्य भी रहे हैं, इसलिए वे संघ के हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर काम करते हैं। हाथरस के मामले में भी इंडिया टीवी ने यही प्रचार किया। जिस लड़की पर अन्याय अत्याचार हुआ वह लड़की कथित रूप से हिंदू है और जिन्होंने ये अपराध किया वह अपराधी भी कथित तौर पर उसी धर्म के हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कहीं से भी नजर नहीं आता, लेकिन जिन्होंने ठान लिया है कि हम हर बात को, हर घटना को एक ही एंगल से दिखाएंगे, उन्होंने तथ्य और सत्य को तोड़ मरोड़ कर अपना एजेंडा चलाया है। पिछले 2-4 दिनों से इंडिया टीवी पर ऐसी खबरें प्रचारित की जा रही है कि हाथरस की घटना को लेकर कुछ मौलाना ब्रिगेड को प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए और दंगे फसाद करवाने के लिए मैदान में उतारा गया है। जिन मौलानाओं के नाम उसमें लिए जा रहे हैं उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सदर मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी और मौलाना रफीउल्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सदर है। इनके अलावा 6 और मौलानाओं के नाम भी उसमें शामिल है। इंडिया टीवी ने यहाँ पर ये साजिश की है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा जिन मौलानाओं के नाम लिए गए हैं उनके उन्होंने वीडियो दिखाए, भाषण दिखाए, केवल मात्र राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों के वीडियो उन्होंने नहीं दिखाए, उसके बजाय उन्होंने केवल उनके फोटो दिखाए हैं। अगर इंडिया टीवी ने उनके वीडियो दिखाए होते तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वे लोग सांप्रदायिक हिंसा को प्रवृत्त कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने न्याय के लिए सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का आह्वान किया है। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी अपने वीडियो में क्या कहते हैं ये खुद आप ही सुन लीजिए।
चंद रोज कबल यूपी के हाथरस में चंद इंसान नुमा दरिंदों ने ऐसा वहशियाना सलूक किया कि पूरी इंसानियत उससे शर्मा जाए। और इस पर मजीद ये कि पुलिस का जो रवैया रहा वो भी इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत रहा। इसके खिलाफ, इन दोनों बातों के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा 3 अक्टूबर को मजम्मती और एहतजाजी प्रोग्राम जगह जगह मुनाकिद करने जा रहे हैं, इसका फैसला किया गया है। SC ST OBC के लोगों ने मुसलमानों पर जब कभी अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसके खिलाफ मुअस्सर आवाज़ उठाई। आज जबकि एक दलित खातून इस जुल्म और नाइंसाफी का, इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुई है, मैं तमाम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से वाबस्ता लोगों से अपील करता हूँ कि 3 अक्टूबर को पूरी कुव्वत के साथ एहतजाज और मुजाहरा करें और अपनी जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसमें वे हिंसा की बात नहीं करते बल्कि इत्तिहाद, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन इंडिया टीवी ने उनके नाम से झूठा प्रचार किया कि ये मौलाना उत्तर प्रदेश में धार्मिक दंगे भड़काने के लिए मैदान में उतारे गए हैं। इंडिया टीवी ने इसके अलावा ये भी झूठा प्रचार जारी रखा है कि ये वही मौलाना है जो कुछ महीने पहले CAA, NRC, NPR का विरोध कर रहे थे और उन विरोध प्रदर्शनों से वे हिंसा कराने के प्रयास में लगे थे। इसके लिए इंडिया टीवी ने हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी और हजरत मौलाना वली रहमानी साहब के भी फोटो दिखाए हैं कि ये वही मौलाना है जो CAA, NRC, NPR के नाम से देश को बांटने में लगे थे और अब हाथरस के नाम पर समाज को बांटने में लगे हैं। इसको लेकर हम मौलाना अजहरी, मौलाना रफीउल्ला, मौलाना सज्जाद नौमानी और मौलाना वली रहमानी से संपर्क कर रहे हैं और उनका इस झूठे प्रचार के बारे में क्या कहना है ये भी आपको बताने का काम करेंगे। साथ ही जिनके नाम से इंडिया टीवी ने इस प्रकार का झूठा प्रचार किया है उसको लेकर क्या ये मौलाना इंडिया टीवी पर और रजत शर्मा पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।